हेलो एवरीवन, ये जो प्रेजेंटेशन है ये पार्ट टू के हिसाब से रिकॉग्नाइज किया जाएगा, क्योंकि पार्ट वन में हमने कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स में पहले भी मैं आपको करवा चुकी हूँ। उसमें बेसिकली मैंने जनरेशन के बारे में बताया था आपको कि नर्व इम्पल्स का जो ये एक्टिव पोटेंशियल और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वगैरह ये जो होते हैं ये जनरेट कैसे होते हैं और कैसे कैसे इनका एस्टेब्लिशमेंट होता है। और इस वाले वीडियो में मेनली हम कंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि जो एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल एक बार क्रिएट हो गया है वो फिर आगे नर्व की पूरी लेंथ में कैसे वो फ्लो करेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले ये डायग्राम देखते हैं। एंड आई थिंक दिस वन इज़ द बेस्ट डायग्राम टू अंडरस्टैंड हाउ द एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज कंडक्टेड थ्रू आउट द एग्जॉन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट जो स्टिमुलस होता है हमेशा वो यहाँ पे साइटोन में आपको दिखेगा, साइटोन में आता है हमेशा और फिर एक्सॉन की तरफ फ्लो होता है। तो हमेशा क्या होगा, एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो होता है यहाँ पे पहले की साइटोन के बेस से स्टार्ट होता है। ये देखो, साइटोन के बेस से स्टार्ट होता है यहाँ से। अब मान लो इतना जो ये इतना हिस्सा है जो ये सर्कल कर रखा है, इतने को हम देखें, इतने में हम देखें कि यहाँ इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कैसे आपका जो है एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल कैसे वो फ्लो हुआ। तो उसके लिए हमें यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। इधर मान लो देखो, ये वाला जो हिस्सा है, इतना वाला हिस्सा यहाँ से लेके यहाँ तक का, इसमें तो सबसे पहले क्या है, ये फर्स्ट एक्शन पोटेंशियल है। फर्स्ट एक्शन पोटेंशियल हमेशा एक स्टिमुलस जो फिजिकल स्टिमुलस होता है उसकी वजह से क्रिएट होता है। फिजिकल स्टिमुलस का मतलब है वेन एवर यू गेट बर्न, वन एवर यू गेट पिंच्ड, और कुछ भी ऐसा आपके साथ होता है जहाँ पे आपको कुछ कुछ भी स्टिमुलस मिल रहा है फिजिकली, तो वहाँ फर्स्ट एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल वहाँ पर डेवलप होता है, उसकी वजह से डेवलप होता है इनफैक्ट। तो उसकी वजह से देखिए, यहाँ मान लो यहाँ पे फर्स्ट एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल डेवलप हो गया। आपको पता है कि उस समय क्या होता है कि बेसिकली जब जो एग्जॉन होता है जब वो पोलराइज्ड कंडीशन में होता है तो क्या होता है, अंदर की तरफ माइनस माइनस इस तरह से चार्जेस होते हैं, बाहर की तरफ प्लस चार्जेस होते हैं। लेकिन जब एक्सॉन अपनी डीपोलराइज वाली कंडीशन में चला जाता है, यानी कि उसमें जब एक्टिव पोटेंशियल क्रिएट होता है, तो वो एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्यों क्रिएट होता है, जब इसका जो ये चार्जिंग वाला जो कंडीशन है वो बिल्कुल रिवर्स हो जाए, यानी कि अंदर की तरफ प्लस प्लस हो जाएगा और बाहर की तरफ माइनस माइनस हो जाएगा। अंदर की तरफ प्लस हो रहा है क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा हो जा रहे हैं अंदर की तरफ, और बाहर की तरफ नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा हैं। अब क्या होता है कि मान लो यहाँ पर एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्रिएट हो गया इतनी जगह पे, वो जो बाहर के जो आपको बाहर से स्टिमुलस मिला है उसकी वजह से वो जनरेट हो गया। तो क्या होगा, अब देखो यहाँ ये जो इतना वाला एरिया है, ये बचा हुआ जो एरिया है, ये क्या है, ये एज सच है, ये सिंपल, ये पोलराइज्ड कंडीशन में, यहाँ ये रेस्टिंग में अपनी कंडीशन में है। तो क्या होगा, अब जो ये एक्शन पोटेंशियल जहाँ पे डेवलप हो रखा है वहाँ पे देखो ये नेगेटिव चार्ज है। अब ये नेगेटिव चार्ज है, इसके जस्ट आगे पॉजिटिव चार्ज है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। ऑब्वियसली नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, वैसे ही यहाँ अंदर नेगेटिव है और इधर पॉजिटिव है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे एक लोकल सर्किट बन जाएगा इलेक्ट्रिसिटी का, या इलेक्ट्रिक सर्किट बन जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि जिसकी वजह से अब ये इलेक्ट्रिक सर्किट जो बना है इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो जहाँ पर को कंडीशन अभी रेस्ट वाली कंडीशन है वो भी अब इसको स्टिमुलस मिल जाएगा। ठीक है, ये जो इतना जो हिस्सा है ये अभी तक क्या है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में, यानी कि अपनी रेस्टिंग वाली कंडीशन में है, इस वाली जगह की वजह से, यानी कि यहाँ के जो माइनस चार्जेस हैं उसने प्लस चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, यानी कि एक लोकल सर्किट यहाँ पे को बन गया। इस सर्किट बनने की वजह से ये जो एक्टिव सॉरी रेस्टिंग वाली जो कंडीशन है उस पे भी जो क्या क्या होगा, उसको स्टिमुलस मिल जाएगा।
आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये वाला जो कंडीशन है ये स्टिमुलस भी, ये भी इसी वजह से, स्टिमुलस की वजह से ये एक्शन पोटेंशियल में आया है, लेकिन वो स्टिमुलस फिजिकल था, वो बाहर की जो हमको हमारे हाथों में कभी फील हो जाता है, कुछ टच हो जाता है, कुछ लग जाती है, तो उसकी वजह से जनरेट होता है एक्शन पोटेंशियल, ये वो है। वो भी कब जनरेट होगा, जब इसमें -20 MV का क्या हो जाएगा, गिरावट आ जाएगी, -70 MV में, 75 MV में क्या हो जाएगा, -75 MV से -20 MV, जब उसमें जो इसका वोल्टेज होता है जब वो डाउन हो जाता है, तब जा कर के एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल स्टेब्लिश होता है। अगर इतना स्ट्रांग स्टिमुलस नहीं मिला है तो नर्व वो एक्टिवेट होगी ही नहीं, यानी कि उसमें एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल आएगा ही नहीं। तो मान लो यहाँ पर कोई इतना मेम्ब्रेन पोटेंशियल आ चुका है, तो अब ये वाला जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल आया है एक्शन वाला, ये आया है बाहर के फिजिकल टच की वजह से, लेकिन अब इतने जो इस पूरे हिस्से में, इसके बाद जितना भी इस पूरी लेंथ में, एक्सॉन के इस पूरी लेंथ में टीलोडेंड्रिया तक क्या होगा कि जितना भी ये इसको स्टिमुलस मिलेगा, वो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट हुई है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट जो जनरेट हुआ है लोकल वाला, उसकी वजह से, अब आगे को उसकी वजह से ही एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल का क्रिएशन होगा। तो अब क्या होता है, इस तरह से ये धीरे धीरे पूरी लेंथ में चला जाता जाता है। अब इस डायग्राम को देखो, ये देखो यहाँ पे इतना था आपका पहला वाला एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। अब इसकी वजह से ये दूसरा एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो गया, और जैसे यहाँ पे दूसरा एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो गया, ये फिर से अपनी दोबारा री अपनी पहली वाली स्टेज में आ गई। ये मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ आपको कि ये बहुत कम देर के लिए डीपोलराइज वाली स्टेज में रहता है। जैसे ही इसके चैनल्स खुलते हैं सोडियम के लिए, वैसे ही जल्दी से क्या हो जाता है, फिर ये अपनी उस कंडीशन में, यानी कि एक्टिव वाली कंडीशन में रहता है, और बहुत ही कम टाइम पीरियड के लिए एक्टिव वाली कंडीशन में रहता है। उसके बाद फिर से इसमें सोडियम पोटेशियम पंप जो होता है फिर से अपना काम करने लगता है, और फिर से इसमें रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का क्रिएशन हो जाता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल स्टेब्लिश हो जाता है। तो उतनी देर में ये सेकेंड, देखो ये सेकेंड वाला आ गया, अब यहाँ पे उतनी देर में आपको सेकेंड जो है एक्शन पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है, और थोड़ी देर बाद उसके बगल में ये थर्ड वाला एक्शन पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है। तो इस तरह से जो है, जो नर्व इम्पल्स है वो पूरी की पूरी एक नर्व की लेंथ में बहती है, फ्लो करती है। अब मैं यहाँ पे बोल रही हूँ सिर्फ एक नर्व की लेंथ में फ्लो करेगी, ऐसा नहीं है कि आपको जहाँ पे कोई टच हो रखा है, जहाँ पे आपको फिजिकल टच, फिजिकल जो स्टिमुलस मिला है, वो पूरा एक ही बार सीधे ब्रेन में चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये जो एक ये सिर्फ एक नर्व की बात है। अब बात करते हैं कि एक नर्व से दूसरी नर्व में कैसे वो एक्शन पोटेंशियल ट्रांसफर करता है, उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा सिनेप्स के बारे में। तो ये है हमारा सिनेप्स, ठीक है। इसमें थोड़ा सा पहले सुन लो आप लोग क्या होता है, कि एक जो मान लो ये नर्व आई यहाँ से, ये इसका एग्जॉन है, और ये देखो ये छोटे छोटे टीलोडेंड्रिया में डिवाइड हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। ये टीलोडेंड्रिया में डिवाइड हो गया। अब ये टीलोडेंड्रिया कहाँ पर को मेनली आकर के, इसका मतलब इसका हम कहेंगे पोजीशन कहाँ पर होती है, जो नेक्स्ट वाला क्या होता है, जो नेक्स्ट वाली नर्व होती है उसके साइटोन में, साइटोन में नहीं कहूँगी, साइटोन के आसपास, क्योंकि ये आपस में ये फिजिकली इनका टच नहीं होता। और ये पहला वाला जो नर्व होगा इसको हम कह देंगे प्री सिनेप्टिक नर्व, और ये हो गया पोस्ट सिनेप्टिक नर्व, ठीक है, प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक नर्व। अब प्री एंड पोस्ट में इसमें क्या होगा, यहाँ पर जहाँ पर को ये दोनों आपस में अटैच तो नहीं बोलेंगे, आपस में मतलब थोड़ा बहुत जो इनका आपस में साथ साथ थोड़े बहुत आ जाते हैं, तो उसको हम सिनेप्स बोलते हैं। सिनेप्स की वजह से जहाँ से नर्व इम्पल क्रिएट हुई है, वो नर्व इम्पल यानी कि वो एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, वो दूसरी नर्व में जाता है। वो किसकी वजह से जाता है, वो सिनेप्स की वजह से जाता है। अब सिनेप्स में ऐसा क्या स्पेशल होता है कि ऐसा हो जाता है उसमें, वो ये चीज़ है। ये जो एक छोटा सा दिखाई दे रहा है आपको, ये एक क्या है, टीलोडेंड्रिया है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे ये छोटे, जो हर एक टीलोडेंड्रिया में छोटे 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 से
सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं, जैसे ये छोटे छोटे सिनेप्टिक वेसिकल हैं अंदर की तरफ, उसके अंदर की तरफ रहते हैं। और जो दूसरा जो साइटॉन है, मतलब दूसरी वाली नर्व का जो साइटॉन है उसमें, और ये जो टीलोडेंड्रिया है इसमें क्या होता है, इसमें एक सिनेप्टिक क्लेफ्ट, यानी कि छोटा सा ये जो स्पेस दिखाई दे रहा है ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट होता है। ये होता है आपका लगभग 40 एंगस्ट्रॉम तक इसकी विड्थ होती है, ठीक है, मतलब फुट। हाँ, तो इसमें क्या रहता है कि इसका लगभग 4400, सॉरी 40 नहीं, 400 एंगस्ट्रॉम तक इसका, एक सेकेंड रुकिए, ओके, 400 एंगस्ट्रॉम तक इसकी डेफ, इसकी क्या कहेंगे, बीच में, इसकी इन दोनों के बीच में डिस्टेंस रहती है, मतलब ये दोनों कभी एक दूसरे को फिजिकली टच नहीं करेंगे, तो ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब क्या होता है, इसके बीच में जो है फ्लूड भरा रहता है और उसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं, वो एंजाइम्स जो न्यूरो ट्रांसमीटर होता है उनको डिसॉल्व करने के, उनको डिग्रेडेट करने के काम आते हैं। अब हाँ, बेसिकली न्यूरो ट्रांसमीटर्स क्या होते हैं, जो ये सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं इसके अंदर जो ये डॉट डॉट दिखाई दे रहे हैं इनको हम कहते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स। न्यूरो ट्रांसमीटर्स का काम मेनली क्या रहता है, जो प्री सिनेप्टिक नर्व होती है उसके मैसेज को दूसरी पोस्ट सिनेप्टिक नर्व तक पहुंचाना। अब ये कैसे होएगा, देखो यहाँ से जो प्री सिनेप्टिक नर्व थी हमारी, ये वाली मान लो ये प्री सिनेप्टिक नर्व थी, ये टीलोडेंड्रिया हो गए, यहाँ से ये साइट दूसरे वाले का साइटोन है, दूसरी नर्व का साइटोन है। तो यहाँ पे अब आपको पता है कि जो हमारी पहली वाली नर्व है उसमें तो एक लोकल इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हुआ है, उसकी वजह से वो पूरे एग्जॉन में फ्लो कर गई, ठीक है, फ्लो करी और वो यहाँ टीलोडेंड्रिया तक आ गई। लेकिन टीलोडेंड्रिया से दूसरे पोस्ट सिनेप्टिक नर्व तक जो एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल या नर्व इम्पल्स जो ट्रांसमिट होगा वो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से नहीं ट्रांसफर होगा, वो क्या होगा, वो मैकेनिकल स्टिमुलस देगा दूसरी वाली नर्व को। और वो मैकेनिकल स्टिमुलस उसको दूसरी वाली नर्व को कहाँ से मिलेगा, वो मिलेगा न्यूरोट्रांसमीटर से। देखो क्या होगा कि जैसे ऊपर से जैसे जैसे वो इलेक्ट्रिक सर्किट की वजह से इस तरह से सर्किट बह रहा है और यहाँ तक वो सर्किट आ गया, यहाँ तक यानी कि एक्सॉन जो है वो एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में, एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल में आ गया। तो जैसे ही ये एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल में आएगा क्या होगा, ये जो ये मतलब एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल इसकी मेम्ब्रेन में भी उसी तरह से फ्लो करेगी जैसे ऊपर करी थी। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कैल्शियम के आयंस होते हैं, ठीक है, यहाँ पे होते हैं कैल्शियम के आयंस और यहाँ पे गेटेड गेट्स भी होते हैं, इस तरह से दिखाई देगा। ये देखो ये दिख रहा है आपको वोल्टेज गेटेड Ca2 पॉजिटिव चैनल्स, ठीक है, कैल्शियम के चैनल्स हैं यहाँ पे। अब ये कैल्शियम के चैनल्स क्या करेंगे, कैल्शियम को यहाँ से सिनेप्टिक क्लेफ्ट से अंदर आने देंगे, ठीक है, अंदर आने देंगे, और इनके अंदर आने की वजह से जो ये मेम्ब्रेन है इस मेम्ब्रेन में थोड़ी बहुत डिफरेंसेस, थोड़ा सा इनके केमिकल नेचर बदल जाएगा। उस केमिकल नेचर के बदलने की वजह से जो ये सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं वो इस जो मेम्ब्रेन है इसकी, इससे क्या हो जाएंगे, फ्यूज़ हो जाएंगे, ठीक है। इससे फ्यूज़ होने की वजह से ये न्यूरोट्रांसमीटर को फिर, ये देखो दिख रहा है यहाँ पे, को ठीक है, ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है फिर ये देखो ये न्यूरो दिखा रखा है यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर, इसको सिनेप्टिक क्लेफ्ट में छोड़ा जा रहा है, मतलब कि कैल्शियम के अंदर आने की, कैल्शियम के चैनल में जाने की वजह से फिर क्या होगा कि जो ये है आपका जो ये मेम्ब्रेन है ये वेसिकल्स के साथ घुल जाएगी, फ्यूज़ हो जाएगी, और फ्यूज़ होने की वजह से जो भी इसके अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर भरा हुआ है वो सिनेप्टिक क्लेफ्ट में छोड़ दिया जाएगा, खुद ब खुद आ जाएगा सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। अब सिनेप्टिक क्लेफ्ट में जैसे ही आ जाए तो न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर्स जो, अब न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे आ गए तो न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर्स चैनल्स, मतलब कि चैनल्स यहाँ पर है, रिसेप्टर और चैनल कुछ भी कहें आप, तो वो यहाँ पे पोस्ट सिनेप्टिक नर्व में है। तो पोस्ट सिनेप्टिक नर्व में जैसे ही ये न्यूरोट्रांसमीटर अटैच होगा यहाँ पे, तो क्या होगा, पोस्ट सिनेप्टिक जो नर्व है उसकी मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, जो अभी तक रेस्टिंग कंडीशन में थी फिर से वो उसको वही मतलब केमिकल स्टिमुलस मिल गया, और जैसे उसको केमिकल स्टिमुलस मिलेगा तो फिर से वही चीज़ें हो जाएंगी जो हमने पहली वाली स्लाइड में पढ़ी थी, यानी कैल्शियम
सोडियम का क्या होगा, इन्फ्लक्स होगा और के आउट हो जाएगा और इस तरह से चैनल वगैरह खुल जाएंगे और उसकी वजह से डीपोलराइजेशन होगा, फिर रीपोलराइजेशन होगा और इस तरह से जो है इनका जो एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो पूरी लेंथ में इसका फ्लो करने लगेगी। फिर अब जब इस जो पोस्ट सिनेप्टिक नर्व में जब वो पूरी लेंथ में फ्लो कर चुकी होगी तो इस पोस्ट सिनेप्टिक नर्व के पीछे भी एक और सिनेप्टिक एक और क्या होगा नर्व होगी। तो अब क्या होगा उसमें भी बिल्कुल इसी तरह से जैसे इन दोनों में मैंने बताया है आपको, इसी तरह से बिल्कुल उसमें भी एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल का फ्लो होता चला जाएगा और यही जो है पूरी मैकेनिज्म किसके अंदर आती है आपका ये पूरी जो आती है मैकेनिज्म ये आती है कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। ठीक है, अब इसके अलावा हमें थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि ये जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स में जो मैंने आपको बताए वो मेनली क्या होते हैं। तो सबसे जो पॉपुलर या फिर हम कहें कि वो जो ज़्यादातर जो नर्व्स में जो न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज होता है वो होता है एसिटाइलकोलाइन बोलते हैं हम इसको, और जो भी नर्व इस एसिटाइलकोलाइन को रिलीज करती हैं उन नर्व्स को हम कोलिनर्जिक नर्व्स कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा नॉरएपाइनेफ्राइन, एपाइनेफ्राइन हो गया, डोपामाइन, सीरोटोनिन, हिस्टामिन, ग्लूटामेट और सब्सटेंस पी, ये बहुत सारे ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर हैं जो रिलीज होते हैं। अब यहाँ पे बात ये आती है, हाँ मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि सिनेप्टिक क्लेफ्ट में कुछ एंजाइम्स होते हैं जो यहाँ पे सिनेप्टिक क्लेफ्ट में जो कुछ एंजाइम्स होते हैं जो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स को डिग्रेडेट करने का काम करता है। यानी कि देखो जब न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ से रिलीज हुए उन्होंने अपना काम इधर कर लिया, तो उन्होंने उनका काम क्या था, उनका काम था पोस्ट सिनेप्टिक नर्व को स्टिमुलेट करना, वो उन्होंने कर लिया है। अब जो यहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो रह गए हैं इनका डिग्रेडेशन भी ज़रूरी है क्योंकि इनका कुछ काम नहीं बचा है अब, तो इनका काम नहीं बचा है इसलिए इनको डिग्रेडेट करने के लिए एंजाइम्स होते हैं जो कि इनका पूरा डिग्रेडेशन कर देते हैं और वहाँ फिर से फिर न्यूरोट्रांसमीटर की कोई ज़रूरत नहीं होती और न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पर खुद ब खुद बनते रहते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा सिनेप्स, तो ये कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स ये हमारा पूरा हो चुका है। अब आगे के जो टॉपिक्स हैं वे हम आगे की स्लाइड में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।